राजगढ़ जिले की सारंगपुर थाना पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत के अवैध घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 5 किला मोहल्ला में आरा मशीन के पास महिंद्रा पिकअप में इंडेन कंपनी के घरेलू सिलेंडर अवैध रूप से रखे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी इजाज शेख और भगवान सिंह वर्मा के कब्जे से कुल 65 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें से 4 भरे हुए और 61 खाली सिलेंडर थे। जब्त सिलेंडरों की कीमत 6 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा महिंद्रा पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है। कुछ गैस टंकियों का LPG की जो टंकी थी उनको आपने पकड़ा है, क्या मामला था सर? दिनांक 9/11/2021 को मुखबिर सूचना मिली कि वार्ड क्रमांक 5 किला मोहल्ला में 2 व्यक्ति अवैध रूप से बहुत सारे गैस सिलेंडर रखे हैं, जिस पर तत्काल पुलिस टीम को रवाना किया गया। मौके पर 2 व्यक्ति मिले जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पकड़ा और उनसे 65 गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनमें 4 भरे हुए थे, 61 गैस सिलेंडर खाली मिले थे। आरोपी एजाज अहमद और भगवान दास वर्मा दोनों से उक्त गैस सिलेंडर और जब्त किए। अत्यधिक मात्रा में गैस सिलेंडर कब्जे में रखे जाने पर आरोपियों के खिलाफ धारा 703-21, 285, 37 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। समाचार प्लस के लिए राजगढ़ से राजेश भंडारी की रिपोर्ट।